नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारी इस प्रोग्राम में। जी हाँ दोस्तों, हम सभी का इंतज़ार रहते हैं क्योंकि इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं हमारे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड द वेरी गॉर्जियस रिनाउंड ब्यूटिशियन द सोमी। सोमी जी रहते हैं हमारे साथ और हमारे स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक चुटकी में वो दे देती है और इतनी अच्छी तरह से साइंटिफिकली हम लोगों को समझाते हैं। तो हम घरेलू उपचार से भी, मतलब द सोमी स्कैन प्रोडक्ट से कैसे अपने प्रॉब्लम्स को कैटर कर सकते हैं उसका भी जानकारी मिलता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही कॉमन प्रॉब्लम्स को लेके। जैसे आज एक प्रॉब्लम जो बहुत सारे दोस्तों को फेस करना पड़ता है वो है चेहरा काला हो जाना, कालापन। जी हाँ दोस्तों, डार्क कम्प्लेक्शन इज़ डेफिनेटली ब्यूटीफुल, लेकिन अपने चेहरे के जो निखार है वो अगर धीरे धीरे कम पड़ने लगता है तो एक कॉम्प्लेक्स सा आ जाता है। तो कैसे मिलेगा छुटकारा इस प्रॉब्लम से, चलिए जान लेते हैं एवर गॉर्जियस सोमी जी से। सोमी जी, एज यूजुअल यू आर लुकिंग वेरी वेरी गॉर्जियस। सोमी जी, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत दोस्तों ने हम लोगों को मेल भी किया है कि उन लोगों को कालापन से प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा टैन पड़ता है। तो जिन लोगों के पास अभी से ये प्रॉब्लम है, ऑलरेडी बॉडी में टैन आ गया है, कैसे टैन रिमूव करेगा द सोमी स्कैन प्रोडक्ट का हाथ पकड़ के? आई एम अंडरस्टैंडिंग कि तुम कौन सा प्रोडक्ट के बारे में बोलना चाह रही हो। सो यस, वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट एंड सबका बहुत अच्छा पसंदीदा प्रोडक्ट है कैन मिल्क। सो कैन मिल्क अगर हम लोग यूज़ करेंगे, एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि हमको जानना पड़ेगा कि ओके कालापन आ गए या टैन पड़ चुका है या हाथ काले हो गए। समटाइम्स क्या होता है ना कि हम लोग को खुद मालूम नहीं है कि मेरा चेहरा काले पड़ गया। मतलब काफ़ी टाइम होता है कि जब हम लोग समुंदर के बगल में जाते हैं और वापस आते हैं तो पता चलता है कि ओ माय गॉड, एक्सपोज एरिया जो है वो एक्सपोज एरिया मेरा पूरा ब्लैक हो चुका है। सो दैट इज, तो डेफिनेटली दैट्स कॉल्ड विजिबल टैनिंग। लेकिन हर एक दिन डे टू डे वॉक में हम लोग का ये विजिबल टैनिंग लेकिन नहीं होता है, लेकिन टैनिंग हो जाता है। इससे वजह से क्या होता है कि बहुत साल पहले अगर किसी से मिलो ना तो उनको देख के लगेगा अरे इनका चेहरा, इनका जो फेयरनेस था ये कहीं गुम हो गया, कहीं खो गया है। सो दैट इज़ बेसिकली हम लोग को पता ही नहीं चलता कि एवरी डे व्हेन वी आर गोइंग आउट, हम लोग हो सकता है कि सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ हो सकता है नहीं, सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए एक्चुअली। उसके बावजूद भी एक ब्लैक पैच, हल्का हल्का टैनिंग जो हम लोगों को धीरे धीरे कालेपन की तरफ में ले जाते हैं। सो मेरे ख्याल से सपोज आपको प्रॉब्लम भी नहीं है, देन ऑल्सो एक कैन मिल्क यूज़ करके देखिए। जस्ट एक कैन मिल्क लीजिए, फुल फेस में हल्का सा अप्लाई करके, जस्ट हम लोग यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे भी। सो कैन मिल्क अप्लाई करने के बाद, हल्का रब करने के बाद चेहरा को धो लीजिए एंड यू विल अंडरस्टैंड तुरंत कि एक डिफरेंस तो आया, लेकिन टाइम के संग संग वो चला जाएगा। बिकॉज पहला टाइम क्या होता है कि टैन बड़ा स्टबोन होता है। सो जैसे हम यूज़ किए तो एक मिनट के लिए तो टेम्पररली टैन तो रिमूव हुआ, लेकिन फिर वो टैन आ जाता है क्योंकि इसको प्रोलॉन्ग यूज़ में अगर कैन मिल्क अगर डेली आप एक बार या दो बार आप यूज़ करते रहो तो धीरे 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 7-10 दिन के बीच में वो टैन रिमूव हो जाता है, परमानेंटली चला परमानेंटली। तो इसको हमको रूटीन में इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग घरेलू जो उपचार होता है उसके लिए बहुत कुछ मिक्स करना पड़ता है, ये वो। तो आपका ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है कैन मिल्क और ये इंस्टेंट प्रोडक्ट है, मतलब एकदम ढक्कन खोल के वो प्रोडक्ट जो है उसको पूरा अप्लाई करने से ही उसके बाद हम जैसे रिमूव करेंगे चला जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये कैन मिल्क क्या है ना, हम लोग दूध का मलाई से इसको यूज बनाया है और उसके साथ साथ हम लोग इसमें कुछ बिट्स दिए हैं जो सामुद्रिक बिट्स होते हैं वो दिए हैं, थोड़ा सी एल्गी है इसमें, जिसके वजह से ये टैन बहुत अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है। सो टैन भी नहीं, काफ़ी टाइम हमको बहुत लोगों ने बोला है कि आपका कैन मिल्क से तो मैं गोरी हो गई हूँ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट कि हाँ, मैं भी जब कैन मिल्क यूज़ की तो मुझे लगा था कि अरे मैं गोरी हो गई हूँ, बाद में लगा कि गोरे होना इज लिटिल डिफिकल्ट। लेकिन जब धूप, पानी, ये सारे चीज़ के थ्रू हम लोग जाते हैं, हम लोग का ओरिजिनल कलर धीरे 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 कहीं ना कहीं खो जाता है। सो द टाइम वी आर स्टार्टिंग यूजिंग कैन मिल्क, उस टाइम में ही पता चलेगा कि अरे ये कौन सा कलर आ गया, मतलब ये अजीब सा फेयरनेस।
और 7 to 8 days के बाद लगेगा अरे मतलब दिख रहा है गोरापन, और 10, 12 days, 15 days में दूसरा कोई आपको नोटिस करना स्टार्ट करेगा. सो इसमें लगता है कि अरे हम गोरे हो गए, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट जो है कि गोरापन नहीं, लेकिन हाँ जो आपका टैन है अगर आपको उसको रिमूव करो एंड यू विल गेट अ नाइस ग्लोइंग स्किन जिसमें स्पॉट ना हो, डेफिनेटली इट विल लुक टू गुड कि वो उसमें एक जगह आएगा कि लगेगा कि हाँ गोरापा आ गए. एक्चुअली गोरापन नहीं, एक्चुअली एक स्किन टोन जो बहुत सुंदर हो एंड उसका इवननेस और उसके संग संग वो जो ग्लो स्किन का और उसके संग ऑब्वियसली आप लोग जिसको बोलते हो फेयरनेस, डेफिनेटली वो लेकिन कैन मिल्क बहुत अच्छी तरह से काम कर. सो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि कैन मिल्क ऐसा एक प्रोडक्ट है, मेरे बातों पे नहीं क्योंकि मेरे बातों पे बहुत आदमी आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं और उन लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं बोलूँगी कि छोटा सा ही तो कैन मिल्क है एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. हाँ, इट्स वेरी रिजनेबल प्राइस. या बिकॉज मुझे लगता है कि द सोमिस कैन प्रोडक्ट इज़ अ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का दाम इंडिया में तो एटलीस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए. यही प्रोडक्ट हम लोग का जब बाहर जाते हैं उसमें बहुत सारा एक्सपोर्ट ड्यूटी पड़ते हैं, उसमें बहुत सारा लीगलिटीज़ में जाना पड़ता है, और इसी प्रोडक्ट बाहर में जाके 3 गुना दाम में आज का डेट में बिक रहा है एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग बिकॉज इट इज़ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट. लेकिन इंडिया में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होता है बिकॉज ऑफ दैट कि मैं तुमको बताऊँ कि अगर हल्दी हुआ, अगर चंदन हुआ, अगर नीम हुआ, अगर पुदीना हुआ, एलोवेरा हुआ जो वेरी एक्सपेंसिव, अगर बाहर में तुम थोड़ा सा एलोवेरा भी खरीदने जाओ अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में इट्स वेरी एक्सपेंसिव, हम लोग के देश में रस्ते में पड़े रहते हैं. सो डेफिनेटली इसके वजह से प्राइस को हम लोग कंट्रोल कर पाए हैं, लेकिन यही दासोमिस कैन प्रोडक्ट जब आउट ऑफ द इंडिया जाके तुम लेने जाओगे तुमको लगेगा दिखेगा कि वो 3 गुना दाम उसके ऊपर लिवाइज हो चुका है. सो इसीलिए बोलूँगी कि इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव एंड मेरा बातों पे नहीं, जस्ट एक ही बार एक ही कंटेनर यूज़ करके आप देखिए, अगर आपका स्किन आपको नहीं बोला कि एक अजीब सा चेंज आया स्किन में देन यू डोंट यूज़, और अगर लगेगा कि हाँ देन यू गिव अ कॉल टू द हेल्पलाइन, बिकॉज इसके बाद भी बहुत सारा चीज़ें होता है क्योंकि ब्यूटिफिकेशन या ब्यूटी रेजिम एक जगह में रुके हुए नहीं रहते हैं. तो इसके बाद ही शायद हम लोग बोलेंगे कि हाँ सनस्क्रीन यूज़ कीजिए क्योंकि आपका जो निखार आया है, जो गोरेपन आपको मिला है उसको आप होल्ड कीजिए, स्किन में उसको मेंटेन कीजिए. सो डेफिनेटली सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, रात को कोई एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कीजिए. सो वो तो बाद का बात है, पहले आप कैन मिल्क यूज़ करके देखिए दिन में 2 बार, जस्ट 2-3 मिनट रखिए, हल्का रब कीजिए, धो लीजिए, और 10 दिन बाद देखिए आपका चेंज. सो अगर आपको चेंज दिखा देन आप लोग हेल्पलाइन में फ़ोन कीजिए एंड ऑब्वियसली अभी यूपी का बहुत सारा जगह में हम लोग का प्रोडक्ट मिल रहा है. सो वो भी हेल्पलाइन में पूछ के आप लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग का प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे कि रायपुर का बहुत जगह में मिल रहा है, जैसे कि लखनऊ का बहुत जगह में मिल रहा है, गाजियाबाद, बनारस, सब जगह में ऑलमोस्ट हम लोग का प्रोडक्ट मिल रहा है. ये छोड़ के भी हम लोग का ऑनलाइन है. जी हाँ दोस्तों, आपके जो ये प्यार है वो मेल के माध्यम हमारे तक पहुँचते हैं. बहुत सारे यूजर्स फ्रेंड हैं जिन लोगों ने द सोमिस कैन ग्रुप के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और उनको बहुत अच्छा लगा है, उसका पॉजिटिव फीडबैक भी हमें मिल रहा है. उसके साथ ही साथ आप लोगों का कोई प्रॉब्लम्स है वो भी हम तक पहुंच रहा है मेल के साथ. तो हम डिसाइड किए हैं कि हर एक एपिसोड में एक एक चिट्ठी पढ़ेंगे और आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन हम सोमी जी से जान लेंगे. तो चलिए सोमी जी, आज हमारे पास एक मेल आया है, वो है चित्रकूट से मेल भेजा है आलिया गुप्ता ने. आलिया बोल रही है वही मेरा बहुत ज़्यादा टैन हो रहा है और कॉलेज ट्यूशन जाना पड़ता है, तो कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करूं और कैसे अपने त्वचा को इस टैन होने से बचा सकती हूं, मैडम प्लीज़ सजेस्ट. पहले बहुत अच्छा लगा आलिया कि आप ये नहीं पूछे कि कैसे टैन रिमूव करूँ,
आपने पहले बार बोली कि कैसे इसे प्रोटेक्ट करूं, बिकॉज मुझे हमेशा लगता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप मुझे पूछते कि टैन कैसे रिमूव करूं, तो मुझे समझाना पड़ता कि आप टैन तो रिमूव करोगे कैन मिल्क से, लेकिन उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। सो आपका इतना अच्छा सवाल का पहले जवाब दे देती हूँ। सो दैट इज़, आप जब बाहर जा रहे हो, आप कैनफेयर 15 यूज़ करो। कैनफेयर 15 के ऊपर कैनटच पाउडर पफ करके आप निकल जाओ। आप कैनफेयर 15 मतलब अगर 15, 30, 50, ये SPF का मतलब क्या होता है? दैट्स कम्स टू 15 × 6 = 90। दैट मीन्स ये 10.5 आवर प्रोटेक्शन देगा। और उसके बाद तो उसके ऊपर जब आप कैंटस पाउडर पफ करोगे, दैट इज ऑल्सो 15। सो 1.5 आवर 3 आवर प्रोटेक्शन देगा। और 3 आवर प्रोटेक्शन जो देगा, ये 3 आवर प्रोटेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उसके बाद थोड़ा चेहरा को धो के फिर एक बार कैनफेयर 15 और उसके ऊपर कैंटस पाउडर पफ कर लेना होगा। हम लोग का सनस्क्रीन के बारे में आइडिया ही बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारा सवाल है। सो 15, 30 इस तरह का जो प्रोडक्ट होते हैं, ये होता है नॉर्मल जगह में यूज़ करने के लिए। जो कि जैसे सपोज़ कीजिए आप लद्दाख गए हो या आप समुंदर के बगल में गए हो, उस टाइम में आपको क्यों कैंसर 45 मतलब कोई भी SPF 45 यूज़ करना है, और क्यों आप जब नॉर्मल हो, जैसे UP का एटमोसफियर हो, चाहे दिल्ली का एटमोसफियर हो, चाहे वेस्ट बंगाल का एटमोसफियर हो, चाहे मुंबई का एटमोसफियर हो, यहाँ पर क्यों नहीं ज़रूरत है? अच्छा, दैट्स बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पर हम लोग को रिफ्लेक्टिव सनस्क्रीन का ज़रूरत पड़ता है। व्हाट इज दैट? मैंने एक ऐसा सनस्क्रीन यूज़ किया जिसमें सन प्रोटेक्टिव फैक्टर जुड़ जाएगा, उस पर सन रेज आएगा, रिफ्लेक्ट करके निकल जाएगा। So it's more like a mirror. It works more like a mirror. अच्छा। So यहाँ पर इतना protection में क्या होता है कि मेरा skin safe रहा। अब why not? तब मैं जब लद्दाख गए और suppose करो मैं गोवा गई हुई हूँ या ऐसे कोई समुंदर का साइड, अंडमान गई हूँ। हाँ, अंडमान गई हूँ और suppose करो बैंकॉक गए हुए। सो यहाँ पर क्यों 15 और 30 काम नहीं करेंगे? सबसे तो पहला बात है कि हम लोग मैक्सिमम टाइम समुंदर के बगल में रहते हैं। अगर हम मुंबई में रहते भी हैं, कितना देर हम लोग समुंदर के बगल में बिताते हैं? वी नॉर्मली डोंट यूज टू स्पेंड टाइम इन सी। बहुत कम टाइम होता है कि जू में चल जाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा चौपाटी में खाना वाना खा के आ जाते हैं। बट अगर हम लोग बैंकॉक गए तो हम लोग समुंदर के बगल में ही, हम लोग वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हम लोग वहीं बैठे हुए हैं, एंड वी आर स्पेंडिंग आवर होल डे। सो डेफिनेटली मैक्सिमम टाइम। यहाँ पर क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सनस्क्रीन होता है वो टूट जाता है, मतलब मिरर टूट जाता है। क्योंकि उतना धूप, उतना भारीपन, उतना प्रेशर वो लोग ले नहीं पाते। सो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, वहाँ पर 45 या 50 यूज़ करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड अ एब्जॉर्बिंग सनस्क्रीन, जो क्या है कि एक प्रोटेक्शन हो गया, एक लेयर हो गया स्किन के ऊपर। उस लेयर के भीतर जब सनरेज आ रहा है, वो सनरेज को सिर्फ अब्सॉर्ब कर ले रहा है और उसको अब्सॉर्ब करके स्किन तक पहुंचने नहीं दे रहा है। अच्छा। तो शोमी मैम, आज क्या हम लोग कुछ एप्लीकेशन दिखाएंगे प्रोडक्ट का? हाँ डेफिनेटली, आज हम लोग एप्लीकेशन दिखाएंगे। हम लोग कैन मिल्क को लेकर बहुत बोल चुके हैं। सो कैन मिल्क का एप्लीकेशन दिखाएंगे, उसके बाद कैनफेयर 15 एंड उसके ऊपर कैंटच पाउडर। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं एप्लीकेशन।
एप्लीकेशंस हमने देख लिए, कितने आसानी से, कितने सिंपलिसिटी से आप घर बैठे ये प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गया हम कैसे अपना स्किन का प्रोटेक्शन ले सकते हैं और कैसे स्किन को मेंटेन कर सकते हैं कैन मिल्क के साथ। चलिए दोस्तों, आज आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी। आप में से कौन कौन है जो चाय पीना पसंद करते हैं? ऑलमोस्ट एवरीवन। मुझे तो बहुत पसंद है चाय पीना। कभी कभी मुझे घर में ताना भी सुनना पड़ता है कि क्यों इतना बार चाय पी रहे हो। तब मैं अपने मम्मी को बोलती हूँ कि चाय पीना सेहत के लिए कितना अच्छा है, जब वो चाय होता है कैंटॉक्स कैंथिन। क्योंकि बारिश के ये दिन और उसके साथ अगर रहा कैंटॉक्स और कैंथिन तो एकदम बात बन जाता है। बहुत ही हेल्दी ये सारे टी रेंज, आयुर्वेदिक टी रेंज जो इंट्रोड्यूस किया है सोमी जी ने। जी हाँ दोस्तों, द सोमी स्कैन प्रोडक्ट के हाथ पकड़ के ये चारों टाइप के अलग अलग चाय लाए हैं सोमी जी। इसका एक एक चाय का एक एक गुण है। तो क्या क्या गुण है उसके बारे में हम सोमी जी से पूछ लेते हैं। सोमी जी, कैंटॉक्स ये जो आपकी टी है एंड कैंथिन एक्टिव, ये जो दो टीज है, दिस टू टीज आर वेरी वेरी गुड फॉर वेट लॉस। तो ये जो वेट गेन का जो हमारे समस्याएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वेट गेन कर चुके हैं। तो हम जानते हैं कभी कभी लोग टॉक्सिन्स की वजह से वेट गेन करते हैं, कभी कभी फैट हो जाते हैं उसके लिए वेट गेन होता है। तो ये दो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को केटर करने के लिए क्या आप कैंटॉक्स और कैन एक्टिव थीन लाए हैं? देखो, अगर देखा जाए तो आवर फूड हैबिट इज़ रियली गुड, क्योंकि हम लोग कुछ ज़्यादा सत्तू खाते हैं या आटे का खाना खाते हैं, और ऑब्वियसली सारे खाना इज़ नॉट वेरी स्पाइसी, नॉट वेरी ऑयली, ऐसा खाने हम लोग पसंद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग का वेट इंक्रीज़ कर जाते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ दैट, इसका कुछ कुछ रीजंस है। तुम दो दिन बड़ा स्पाइसी ऑयली फूड खाओ, दो तीन दिन बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाना शुरू करो, उसके बाद भी तुम मॉर्निंग में जब उठोगे ना, तुमको दिखेगा कि अंगूठी टाइप कर रहा है, राइट। और लाइक अल्कोहल इंटेक किया, ओके, और दूसरा दिन सुबह उठ के लगेगा कि चेहरा फुला फुला लग रहा है, अंगूठी टाइट हो गया। कोई आदमी एक दिन में तो मोटे नहीं हो सकता है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली वाटर रिटेंशन। दैट्स बिकॉज ऑफ हम लोग को इंडाइजेशन हो गया, दैट्स बिकॉज ऑफ हम लोग को हैंगओवर हो गया, दैट्स बिकॉज ऑफ बच्चा होने के बाद जो शरीर में जो डेफिशिएंसी है उसके वजह से शरीर को लगा कि चाहे कहीं भी शरीर को लगेगा कि कुछ डिफरेंस हो रहा है। शरीर सबसे पहले जो करता है कि वाटर को रिटेन करना शुरू करता है। अच्छा। क्योंकि हम लोगों का बॉडी मैक्सिमम वाटर से बना हुआ है। सो कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, सारे ऑर्गन्स को बचाने के लिए बॉडी वाटर स्टोर करने लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तुम्हारा ज़्यादा ऑयली फूड हो जिससे तुम्हारा इंडाइजेशन हुआ है, या ज़्यादा अल्कोहल इंटेक हो जिसकी वजह से हैंगओवर हुआ है, तो बॉडी इज़ नॉट वेल, थोड़ा सा तबीयत खराब होने के बाद एंटीबायोटिक लो, उससे शरीर में एक फॉरेन चीज कुछ आया तो उसके लिए वाटर रिटेंशन हो जाता है। वो तुम आफ्टर डिलीवरी अगर जो बॉडी में पूरा हार्मोनल चेंज हुआ है उसमें भी बॉडी एक डिफरेंस जगह में आ गया तो वाटर रिटेंशन हो जाता है। सो इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग कैंटॉक्स, दिस इज़ अ हर्बल टी, दिस इज एब्सोल्युटली अ हर्बल टी जो यूज पीने से मेरा जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको निकाल देता है। सो उससे क्या होता है कि मेरा जो एक फूलापन जब बाद में जाके वही वाटर फैट में ट्रांसफर हो रहा है, और हम लोग दुखी होते रहते हैं कि हम खाना तो ज्यादा नहीं खाते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा फूड हैबिट तो ऐसा नहीं है, उसके बावजूद भी क्यों मैं मोटी हो रही हूँ। That's because of that extra water. हम लोग का डे टू डे बेसिस पे जो हम लोग का वाटर रिटेंशन होता है, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि वो वाटर रिटेंशन रह जाने की वजह से शरीर में वैराइटीज प्रॉब्लम आ जाता है। सो कैसे आप समझोगे कि आपका वाटर रिटेंशन है? जैसे कि आप अगर सुबह उठे और आपका अंगूठी अटक गया, या सुबह उठे आप अपना चेहरा को देख रहे हो लग रहा है कि फुला फुला लग रहा है, या थोड़ा सा भारी भारी सा लग रहा है, सो दैट इज कॉल्ड वाटर रिटेंशन। आप कैंटॉक्स ट्राई करके देखो, दिन में तीन बार करके चार दिन पीने के बाद आपको खुद दिखेगा, और एक्चुअली वेइंग स्केल विल आल्सो शो। अच्छा, अगर फैट होता ना तो फिर कभी तीन दिन में कम नहीं हो सकता, लेकिन वाटर है ना, तुरंत हो जाता, निकल गया। सो डेफिनेटली वो दो तीन दिन के भीतर लगेगा, अरे डेढ़ किलो या एक किलो मेरा कम कैसे हो गया, दैट्स बिकॉज ऑफ वाटर। इसके बाद आऊंगी हाउ टू गेट स्लिम, मतलब फैट रिड्यूस कैसे करें, फैट रिड्यूस कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो हो गया टोन अप। तो उसके लिए थीन एक्टिव है,
और थिन एक्टिव भी एक चाय है, सो हम लोग मिक्स करके पी सकते हैं। जैसे दिन में 2-3 बार कैंटॉक्स पी लिए, दिन में 1-2 बार थिन एक्टिव पी लिए, एंड उससे क्या होगा कि मेरा जो फैट है वो एक्चुअली उस फैट को कम करने में हेल्प करते हैं। लेकिन एक बात बोल दूँ कि थिन एक्टिव खाने के संग संग कुछ एक चीज़ डाइट में मेंटेन करना पड़ता है जो प्रैक्टिकली रिड्यूस करना चाहते हैं। वाटर रिटेंशन के बाद आप काफ़ी दुबली लगोगी, आपका वेट कम हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन एक्चुअल साइज में आने के लिए थिन एक्टिव का ज़रूरत है। अच्छा, सो उस टाइम में आपको थोड़ा सा डाइट पर ध्यान देना होगा। क्या डाइट पर ध्यान देना होगा? हर एक चीज़ खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक का येलो पोर्शन अवॉइड कीजिए, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड कीजिए, और इसके संग संग मैदा का बनाया हुआ कोई खाना, क्योंकि मैदा ऐसा चीज़ है कि वो जब जाते हैं ना शरीर के भीतर, वो जम जाते हैं और जमने के बाद वो निकलते नहीं। ओके, सो वो जम जाते हैं और धीरे 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 वो फैट फैट में ट्रांसफर हो जाता है। सो हम लोगों का कुछ गुड फैट होता है, कुछ बैड फैट होता है, तो मैदा इसमें आता है, बैड फैट। सो डेफिनेटली इसको कंट्रोल कीजिए और कोशिश कीजिए रात को 8 से 8:30 बजे के भीतर डिनर कंप्लीट करने के लिए, और दिन में 2 या 3 बार टॉक्स और 2 या 3 बार थिन एक्टिव पिया कीजिए। थैंक यू सो मच सोमी जी। सोमी जी जब भी हमारे साथ रहते हैं हमको हेल्दी और फिट होने का मंत्र बताते हैं। आज पता चला हमको फिर से कैंटॉक्स एंड थिन एक्टिव, दिस टू स्पेशलिटीज, हाउ डू दे हेल्प अस टू स्टे स्लिम एंड फिट। तो अभी तक जो जो दोस्तों ने वो नहीं अपनाया है, तुरंत जाइए और अपना लीजिए। ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ऑनलाइन, और अगर आपका कुछ प्रश्न रहता है और अगर आपका कुछ इंक्वायरी रहता है तो स्क्रीन पे जा रहे हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर, वहाँ पे फ़ोन करके आप अपना जानकारी ले सकते हैं। और फिर भी आपको अगर कुछ पर्सनल क्वेश्चन रहता है तो हमारा ईमेल आईडी भी है स्क्रीन पे, वहाँ मेल कीजिए। फिर से मुलाकात होगा सोमी जी को साथ में लेके, तब तक अच्छा रहना, स्टे ट्यून। Like, share, subscribe for more such informative videos.